जब तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था सिद्धार्थ जी, उससे पहले भी ये कांग्रेस की तरफ से सवाल आया कि भाई ईवीएम में अगर घपला ना हो तो हम चुनाव हमारी सरकार बनेगी, तो ये वाला जो सवाल है ये आज चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही आ गया। देखिए सुचरिता जी, मैं दो बात आपके शो पे दिखाना चाहता हूँ। मैंने तो कहा नहीं, इनके दो घटक दलों ने क्या क्या कहा। पहले घटक दल ने, महाराष्ट्र के घटक दल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए, मतलब कांग्रेस पार्टी अहंकारी है। यूपी के घटक दल समाजवादी पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी तो कोई फैक्टर ही नहीं है। और उसके बाद जब ये लोग मानते हैं, आपस में इनका इंडी गठबंधन मानता है, एक दूसरे को ये गाली गलौज करते हैं, उसके बाद कहते हैं हम चुनाव इसलिए हारे क्योंकि ईवीएम का ऐसे ऐसे था। मैं पूछता हूँ सुचरिता जी, और एक बहुत गंभीर बात आज आपके शो पे पूछता हूँ, एक बहुत गंभीर बात आपके शो पे पूछता हूँ। आप मुझे ये बताइए, आज से पहले 122 बार जो कारण बताए गए थे कि हमको ये शंका है, वो शंकाएं कहां चली गई? ये नई शंका कहां से आ जाती है? हर चुनाव से पहले ये शंका जम्मू कश्मीर में नहीं आई, ये शंका हरियाणा में आ गई। ये जिस हरियाणा के अंदर पूरी कांग्रेस पार्टी आपस में लगी हुई थी एक दूसरे को हराने में, समाजवादी पार्टी को अपने घर में बुलाया और फिर बेइज्जत करके बाहर भेज दिया, एक भी सीट नहीं दी, आम आदमी पार्टी को बुलाया और फिर भेज दिया, वहां पर हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है। और वरुण जी, कहना बहुत आसान है कि अगर एक भी आदमी को लगेगा कि अगर हमको शंका है तो हमारे हिसाब से चुनाव करवाओ, कल को तो आप कहने लग जाएंगे हमें तो चुनाव होने में ही शंका है, राहुल गांधी को वैसे ही डिक्लेयर कर दो। ऐसे देश नहीं चलता है, देश की जनता इस व्यवस्था में विश्वास रखती है। अगर आपकी शंका है तो आपके शंका का सम्मान होगा, पर शंकाएं बदल कैसे जाती है मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। ये नई नई शंका कहाँ से आती है सुचरिता जी, ये भी तो पूछिए। एक चीज बड़ी क्लियर है कि अगर 37 सीटें अखिलेश जी की आई इस बार के चुनावों में तो वो ईवीएम से ही आई है। भाई लारी जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, मान लीजिए आप नहीं आई, अगर वहां 99 सीटें कांग्रेस की आई वरुण जी तो वहां पर भी ईवीएम था। आप या तो खारिज कर दिया करिए, या तो आप कहिए ये हमारे नतीजे है ही नहीं, या फिर बार बार सवाल उठाना बंद करिए। भाई ये तो बहुत, ये जिस तरह से बार बार सवाल उठाते उससे ऐसा लगता है कि द जोक इज ऑन यू। आप लोग चुनाव में भी आ जाते हैं, आप चुनाव जब जीत जाते हैं तो अपना भी ले लेते हैं, और जब हार जाते हैं तो फिर ईवीएम पर सवाल भी उठा देते हैं। मैं बोलिए 10 सेकंड बोलिए। है ना कि कोई सवाल ही नहीं उठाए, ये मानसिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, राजनीतिक व्यवस्था। ये कोई नहीं कह रहा सवाल मत उठाइए, लेकिन सवाल उठाइए, रोज उठाइए वरुण जी, सवाल कैसे बदल जाएगा? अरे सवाल कैसे बदल जाएगा, सवाल उठाया था उसका क्या को क्या प्रॉब्लम थी भाई? बैलेट पेपर से कांग्रेस छोड़ गया, कई लोगों के मन में शंका है। अरे आपको क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है के बाद जा रहे हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते बैलेट पेपर से? आज तो हम आने वाले विधानसभा के नतीजों पर बात करेंगे, कौन आ रहा है, किसकी सरकार बन रही है। लेकिन ईवीएम पर तो इलेक्शन कमीशन ने ओपन चैलेंज दिया था, उस समय कोई नहीं गया, पर टीवी डिबेट्स पर हर कोई ईवीएम पर सवाल उठाता और शंकाएं बढ़ रही हैं। अब वही हरियाणा की चुनाव, अगर वरुण जी आपकी पार्टी जीत जाती तो ये ईवीएम वाले राग नहीं होता, लेकिन वो जीतती जीतती बाजी आप हार गए तो अब ईवीएम वाला राग फिर से हो रहा है। एक बार मैं तनुज जी के पास जाऊंगी। तनुज जी, आपको भी कोई शंका है? आप लोगों की पार्टी सरकार बना गई 2019 में कांग्रेस के साथ मिलकर, आरजेडी के साथ मिलकर, लेकिन तब ये वाला राग नहीं था। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? चंपई सोरेन आपके साथ छोड़कर पाला बदल चुके। देखिए, कई लोग छोड़कर के और भारतीय जनता पार्टी जब से माननीय हेमंत सोरेन जी ने 2019 के अंदर में शपथ ली थी मुख्यमंत्री की, तब से सरकार को गिराने की नाकाम कोशिश की, और गिराते गिराते वो खुद इतना गिर गए कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को 5 महीने तक बिना किसी आरोप के जेल में बंद रखा। उसका नतीजा ये हुआ कि लोकसभा में 5 ट्राइबल सीट्स पर करारी हार हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी जितने मतों से जीते हैं उससे ज्यादा मतों से हमारे सांसद जीते, और आज पुनः मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली हेमंत सोरेन जी ने। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात कि झारखंड भाजपा के अंदर में कोई नेता नहीं है, उनसे अगर पूछा जाएगा तो एक चेहरा नहीं है जो सीधे तौर पर हेमंत सोरेन जी के सामने खड़ा हो। और हेमंत सोरेन जी का मुकाबला करने तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है उनका, वो पहले ही बाजी हार चुके हैं। झारखंड के अंदर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। अरे चेहरा नहीं है, ये जो चेहरा आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है, ये चेहरा चुनौती दे सकता है बीजेपी की तरफ से? चंपई सोरेन की बात कर रही हूं मैं।
उनका चेहरा नहीं है, ठीक है मैंने मान लिया आपकी पार्टी का चेहरा थे, लेकिन अब तो उनके साथ है। हाँ, नहीं कोई चुनौती नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। अगर ये भी चेहरा है तो चुनौती नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनसे पूछिएगा जब आपकी बात होगी, अभी नहीं आने वाले समय में जब नेताओं से बात हो उनसे पूछिएगा कि कौन है आपका मुख्यमंत्री का चेहरा, तो कहेंगे नरेंद्र मोदी जी। अरे एक मोदी जी को कितना परेशान कीजिएगा नगर निकाय के चुनावों में, छात्र संघों के चुनावों में। भाई सिद्धार्थ जी बता दीजिए, चेहरा आपका है नहीं, एक आपने इंपोर्ट किया उनका चंपई सोरेन, वो ये कह रहे हैं आपके पास चेहरा नहीं है। देखिए सुचरिता जी, हमारा चेहरा तो कमल का फूल है, और यही कमल का फूल देश में तीसरी बार अपनी सरकार बना चुका है, यही कमल का फूल एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में अपनी सरकारें बनाता जाता है, यही कमल का फूल वो है जो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर के कटक तक, जिस पर देश की जनता भरोसा देती है, और यही कमल का फूल वो है जो इस भारत की तस्वीर और तकदीर को बदलने जा रहा है। इसलिए अहंकार मत रखिए, ये चेहरों का, परिवारों का, इनका अहंकार मत रखिए। कौन करेगा हेमंत सोरेन के परिवार का सामना, कौन करेगा हेमंत सोरेन के आगे, टिकने वाला कोई नहीं है। ये कमल का फूल झारखंड की जनता टिकेगी, और ये जब जनता आती है तो कुर्सियां बड़ों बड़ों की खाली करवा देती है। इसलिए अपने इस अहंकार को कहीं छोड़ करके आइएगा, ये लोकतंत्र का चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ रही है और मजबूती से अपनी सरकार बनाएगी। परिणाम जब आएंगे तब आप अपने इस चेहरे को देखिएगा और उसको धोइएगा, और उस चेहरे को धोकर के याद करिएगा कि क्या गलत आपने किया झारखंड के साथ, तब आपके जाकर के परिणाम। देखिए झारखंड पर मैं एक बड़ी खबर बता दूं, झारखंड को लेकर बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रही, थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी, उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी, सीएम हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान बैठक के लिए पहुंचे हैं, तो झारखंड को लेकर जो नाम है उनकी लिस्ट फाइनल होनी है, और उसी को लेकर थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में ये बैठक होने वाली है। तो ये झारखंड के समीकरण, अब कॉन्फिडेंस इस वक्त हाई है, अनंत जी आपको लग रहा है इस वक्त कॉन्फिडेंस बीजेपी का है, क्योंकि हरियाणा में जो हुआ है उसके बाद बहुत से तो बीजेपी के नेता भी उम्मीद नहीं कर रहे थे, वहां जीत हो गई, और अब उसका जो इम्पैक्ट है आपको लगता है वो महाराष्ट्र में और झारखंड में, क्योंकि एक मैं वरिष्ठ पत्रकार से बात कर रही थी, वो ये कह रहे थे कि बहुतों को लगा नहीं, बीजेपी में खुद को नहीं लग रहा था, लेकिन ये समीकरण ऐसा बदला है कि इससे महाराष्ट्र में इन्हें बूस्ट मिलने वाला है, ऐसा है क्या? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो गलती लोकसभा चुनाव के समय की थी, संगठन और नेता का जो एक डिस्कनेक्ट था, उसको हरियाणा चुनाव में इन्होंने ठीक कर लिया, और अब उसी फॉर्मूले पर वो वहां भी चलेंगे। जिस प्रकार से संघ के लोगों ने लग के हरियाणा में काम किया, उसी प्रकार से महाराष्ट्र और खासतौर पर झारखंड में संघ और संघ के जो समविचारी संगठन है उनका बहुत काम है। तो मुझे लगता है कि संगठन और सरकार का चेहरा दोनों मिलके काम करेंगे, और ये फॉर्मूला इनका हरियाणा में काम आया था। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के दौरान नड्डा जी के एक बयान से थोड़ा भ्रम फैला था, वो सारी चीजों को दूर करते हुए मुझे लगता है, और जो नैरेटिव एक पक्ष में बन गया था 99 सीट जीतने के बाद, उस नैरेटिव पर भी हरियाणा के परिणाम ने ब्रेक लगाया है। और इसी नैरेटिव के आधार पर बीजेपी का टेम्पो इस वक्त बहुत हाई है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दो बहुत बड़े जो संगठक हैं वो महाराष्ट्र के चुनाव में और झारखंड के चुनाव में लगे हैं। एक भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र में बहुत साइलेंटली पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं, लोगों को पता भी नहीं है, और इधर हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान की टीम यहां काम कर रही है, और साथ ही साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी झारखंड में काम कर रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने के काम में लगे हैं। तो आप